चारों जाएं। भागवतम क्लास हो या भगवत गीता क्लास हो, प्रभु जी कितने कंसिस्टेंट हैं, जोरदार तालियां हो जाए। आज के प्रोग्राम में इनॉग्रेशन कर रहे हैं श्री नामित प्रभु जी की, और कैलाश पर माता जी, उनका भी धन्यवाद, माता जी भी प्रज्वलित करें। तो जीतामित प्रभु जी, IIT कानपुर से MTech कर रहे थे और उसी बीच में उनको सानिध्य मिला श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, और उसी बीच में छोड़ दिए और हम सब के IIT में आ गए, यानी कि हम सब के बीच आए। और उस समय से लेकर के आज तक न जाने कितने ऐसे स्कॉन के डिवोटीज है, उनको मुझे गाइड नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब शुरू के समय में व्यासासन पे जाता था, बैठता था, क्लास खत्म होती थी, प्रभु जी बुलाते थे और बताते थे कहाँ कहाँ पे संशोधन की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ आपने अच्छा बोला, प्रभु जी गाइड करते हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे पिताश्री के समान है और आज भी प्रभु जी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ ऑडिटोरियम में आए। तो एक बार जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोले प्रभु जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने भक्तों को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है जो रसराज प्रभु से जुड़े हुए हैं। तो चैतन्य वृक्ष है, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में अध्याय संख्या 10 चैतन्य वृक्ष का वर्णन हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है एक वृक्ष हैं, और ये क्या है, संकीर्तन आंदोलन। तो संकीर्तन आंदोलन का ये वृक्ष है, और ये वृक्ष का जो है विस्तार होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है। जैसे वृक्ष में जड़ होती है और जड़ से तना निकलता है, तो जड़ में जो रस होता है वो तने में आता है, तो तना पुष्ट होता है, हरा भरा होता है, और वही जड़ का जो रस तने में होता है वो जो है शाखाओं में जाता है, जो बड़ी बड़ी शाखाएं उनमें जाता है, तो शाखाएं पुष्ट होती हैं, और उन शाखाओं की, बड़ी बड़ी शाखाओं की भी जो है और उप शाखाएं होती हैं। तो जड़ जड़ से ही सब जुड़े हुए हैं, सब जड़ से जुड़े हुए हैं। तो श्री चैतन्य से ही सब जुड़े हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु ही जो है इस संकीर्तन आंदोलन की जड़ हैं। और जैसे वृक्ष में जो है जहाँ भी कोई भी बिंदु हो वृक्ष का, चाहे वो शाखा हो या उसकी उप शाखा हो, फिर उसकी भी प्रति शाखा हो, फिर उसकी भी जो है और शाखाएं और छोटी छोटी शाखाएं, जहाँ भी वृक्ष के जो है कोई भी बिंदु को आप लीजिए, वो जड़ से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो भी शाखा है वो अपनी उस शाखा से जुड़ी रहे जिससे वो निकली है, तो वो जो है हरी भरी रहेगी। और जैसे ही उसने अपना संबंध तोड़ दिया उस शाखा से जिससे जुड़ी है, तो फिर उससे जड़ से भी उसका संबंध टूट गया। तो भगवान चैतन्य जो है इस भक्ति वृक्ष के या इस संकीर्तन वृक्ष के जड़ हैं, और आपको जुड़े रहना है कहाँ, जहाँ से आप जुड़े हैं, जहाँ से आप जुड़े हैं वहीं पर आप जुड़े रहिए, तो आप जो है हरे भरे रहेंगे, है ना। तो ये संकीर्तन आंदोलन है। तो संकीर्तन आंदोलन में क्या है कि अगर ये वृक्ष है तो उसके फल, उसमें फल हो रहे हैं, और फल ऐसे ये अंजीर का वृक्ष जैसा होता है। अंजीर का वृक्ष जो होता है तो उसमें फल शाखा में भी होते हैं और टहनियों में भी होते हैं, और जो है उप शाखाओं में है, तने में भी, हर जगह फल निकलते हैं। तो ये जो है अंजीर के वृक्ष जैसा जो है ये संकीर्तन वृक्ष है, जिसकी प्रत्येक शाखा में फल होते हैं, और वो फल क्या है, वो कृष्ण प्रेम का फल है। तो वही कृष्ण प्रेम जो है अभी हरि नाम के रूप में आप जो है दे रहे हैं लोगों को है? और वो पुस्तकों के रूप में, तो पुस्तकें भी फल हैं, तो आप पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, तो ये फल, फल का जो है वितरण कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम के फल का, पुस्तकों के रूप में और हरिनाम के रूप में।
लेकिन मुख्य बात यह है कि आप कहाँ से जुड़े हैं, जहाँ से जुड़े हैं वहाँ पर जुड़े रहो, है ना। और आप जो है ऐसे मत सोचो कि हम अभी इनसे जुड़े हैं, अब हम जो है इनसे ऊपर जाएंगे और ऊपर से जुड़ेंगे, तो फिर क्या है ना, ऊपर के रहे ना नीचे के रहे, कहीं के नहीं रहे। आप नीचे से नीचे भी हैं, है ना, तो आप वहाँ पर जुड़े हैं तो आप जुड़े रहिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी सुरक्षा होगी, है ना। तो कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि अभी दशराज प्रभु से हम जुड़े रहे, अब हम जो है और आगे दशराज प्रभु जहाँ से जुड़े हैं हम वहाँ से जुड़ेंगे, तो इस प्रकार से क्या होता है कि फिर सेवा का अपराध होता है। सेवा में जो है मतलब अपराध यही होता है कि जब आप जो अपने से ऊपर हैं तो उनसे आप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो है आपकी गति फिर जो है मतलब क्या होती है, कोई गति नहीं होती है, ना गति को तो भी फिर कहीं गति नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार से जो है मतलब अगर आप हैं जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, है ना। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ है, कि हे श्री कृष्ण आप मुझको अपने सेवक के सेवक के सेवक के भी नीचे सेवक के रूप में मेरा स्मरण करिए। तो भगवान के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप जो है उनके सेवक के सेवक के हजार बार नीचे सेवक हैं, तो भगवान के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता, भगवान पूरी कृपा आपको देंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट सेवा करेंगे भगवान की, तो फिर वो जो है ना गति ही कुतोपी है, तो फिर क्या है, फिर कोई गति नहीं होगी, है ना। तो वृक्ष का जो है मतलब सिद्धांत यही है, वृक्ष का सिद्धांत यही, इसी को ही गुरु परंपरा कहते हैं, है ना। तो चैतन्य रूपी वृक्ष की जो है एक शाखा है रूप गोस्वामी, तो हम सब लोग जो है रूपानुग कहलाते हैं, हम रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, रूपानुग, है ना। तो रूप गोस्वामी के अनुगामी, है ना, तो प्रभुपाद को कहा जाता है रूपानुग वर, रूप के अनुगामियों में वर माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ प्रभुपाद जो कि रूपानुग वर कहलाते हैं। और ये प्रभुपाद की जो शाखा है चैतन्य रूपी वृक्ष है कि जो है रूप गोस्वामी जो शाखा है उनसे जो है एक शाखा जो प्रभुपाद की जो शाखा है, एक गौड़ीय मठ भी शाखा है, दूसरी इस्कॉन की शाखा है। तो इस्कॉन की शाखा जो है ये जो है प्रभुपाद की जो शाखा है जो इस्कॉन के रूप में ये पूरी दुनिया में फैल गई है, पूरी दुनिया में फैल गई है, हरि बोल, है ना। तो उसमें क्या है ना कि आप प्रभुपाद के जो से जुड़े हुए हैं, है ना, महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, फिर उनसे जुड़े हुए और जो भक्त हैं, है ना, उनसे जुड़े हुए आप हैं, फिर उन आपसे भी कोई और जुड़ेंगे और जुड़ेंगे और जुड़ेंगे, तो सब जो है क्या है श्री चैतन्य से ही जुड़े हुए हैं। तो आज के जो है शब्दों में हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे बिजली का नेटवर्क होता है ना, जैसे पावर हाउस, है ना, तो पावर हाउस से ही बिजली आती है ना, और जहाँ भी बल्ब जल रहे हैं ये सब पावर हाउस से ही जल रहे हैं, लेकिन पावर हाउस से बहुत बड़ी केबल निकली है ना, उससे जो बिजली आ रही है उससे फिर और दूसरी तार निकले, फिर उनमें बिजली आ रही, फिर उनके तार निकले उनमें बिजली आ रही, फिर उन और ये बल्ब जो है तब जल रहे हैं। उसी प्रकार से आपका भी बल्ब, आपका भी जो बल्ब जल रहा है कैसे जल रहा है, पुस्तक वितरण के रूप में और हरि नाम के रूप में आपका जो बल्ब जल रहा है कहाँ से जुड़ रहा है, चैतन्य महाप्रभु से आप लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन कैसे जुड़े हैं, वो मतलब जैसे बिजली की बिजली की सप्लाई है ना, तो पावर हाउस हैं चैतन्य महाप्रभु, पावर हाउस हैं, और आप सब लोग जो है मतलब उस पावर हाउस में से एक रूप गोस्वामी का जो है एक बहुत बड़ी केबल है वो जो है निकली है, और उस रूप गोस्वामी की उसमें जो है एक जो है जो केबल है वो प्रभुपाद हैं, और फिर प्रभुपाद से जो है बहुत से जो है जो तार हैं वो निकल रहे हैं, और उनसे जो है आप लोग जुड़े हैं, फिर उन तार उस तार में भी बल्ब लगे हुए हैं, उन बल्बों से भी और जो है जो जुड़े हुए हैं तो दूसरे बल्ब जल रहे हैं, फिर उन बल्ब से और जुड़े हुए हैं तो वो बल्ब जल रहे हैं। तो ये सब जो है मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन जो है नेटवर्क है। तो जैसे प्राचीन काल में वृक्ष बोलते हैं भक्ति वृक्ष हैं या चैतन्य वृक्ष बोलते थे, तो आज के शब्दों में हम जो है उसको चैतन्य महाप्रभु नेटवर्क बोल सकते हैं कि नेटवर्क, है ना। उसमें क्या होता है कि अगर आप अपना संबंध
तोड़ते हैं अपने उस बल्ब से जो पहले से जला हुआ है, आप जुड़े हुए हैं, तो आपका बल्ब बुझ जाएगा, लेकिन बाकी जितने बल्ब हैं वो हा? वो जो है जलते रहेंगे। तो अपना ही जो है आप नुकसान करते हैं अगर आप अपना संबंध तोड़ देते हैं उस भक्त से जिससे आप जुड़े हुए हैं, और अपनी ही आप रक्षा करते हैं अगर आप उस भक्त से जुड़े हुए हैं जो चैतन्य वृक्ष से जुड़ा हुआ है। तो मुख्य बात यही है ना, कि जो परंपरा है इसको परंपरा कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, परंपरा के द्वारा ही जो है राजर्षियों ने ये ज्ञान प्राप्त किया है ना। तो ये जो है मतलब बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है समझने का है ना। तो हमारी जो है कभी भी ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम जो है अगर दास के दास के दास हैं तो अब हमारी उन्नति होगी कि हम सीधे जो है दास के दास बन जाएं, फिर और उन्नति होगी तो हम सीधे दास बन जाएं, वो नहीं, ये हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान करेंगे तो भगवान अपने आपको अपनी सेवा में लगा लेंगे, तो प्रत्यक्ष सेवा में लगा लें, तो भगवान अगर अपनी सेवा में लगाएं तो अलग बात है, लेकिन आप अगर इच्छा करते हैं कि नहीं मैं भगवान की सीधे सेवा करूंगा, मुझे अब बीच में कोई नहीं चाहिए। कई बार यही होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे भगवान के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, हम सीधे भगवान को देखें, भगवान हमको देखें, हम भगवान से प्रेम करें। तो ये जो भावना है इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ईश्वर से अभिमान देशत्वा दीन प्रियत्वा च, ईश्वर को अभिमान से द्वेष है और दीनता प्रिय है। और दीनता का मतलब क्या है कि मैं आपके दास के दास के दास का दास हैं मैं बनूं। तो प्रभुपाद भी अपने को यही कहते थे हैं, किसी ने कहा प्रभुपाद से कि क्या आप श्री कृष्ण हैं, प्रभुपाद कहते हैं नहीं मैं कृष्ण का दास हूं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण का दास बनना भी आसान है, मैं उनके दास का दास हूं, है ना। तो हमें जो है हमेशा अपनी स्थिति को नीची ही रखना है और वही दीनता जो है हाँ आपकी रक्षा करेगी। और जैसे आप अपमान करते हैं कि अब बहुत दिन हो गए हम जो है नीचे रह करके सेवा करते करते हमें बहुत दिन हो गए, अब हम थोड़ा ऊपर उठेंगे और जो हमसे ऊपर हैं उनसे हम ऊपर जाएंगे, हम जिनके नीचे हैं उनके सिर में पैर रख करके हम ऊपर जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा आपका जो है वो कनेक्शन टूट जाएगा। और जैसे कनेक्शन टूट जाएगा तो बल्ब बुझ जाएगा, है ना। तो आपका जो बल्ब जल रहा है संकीर्तन के रूप में, हरिनाम कीर्तन के रूप में और पुस्तक वितरण के रूप में, संकीर्तन बल्ब। तो इस बल्ब की जो है रक्षा करने के लिए आप कनेक्शन बनाए रखिए, तो ये कनेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। दशरथ प्रभु कह रहे हैं कि पिछले साल 17,000 हुआ था, इस बार 28,000 हो गया, तो ये तो प्रभुपाद का आदेश ही है कि डबल इट, इसको दोगुना करो, है ना। तो इसमें अगर जो है 11,000 की बढ़ोतरी हुई पिछले साल से तो ये भी अब पर्याप्त नहीं है, प्रभुपाद तो चाहते हैं कि दोगुना हो, है ना। तो आप लोग जो है किसी भी प्रकार से जो है अपराध से बचिए, हम नाम के 10 अपराध रोज बोलते हैं, तो आप जो है अगर नाम के 10 अपराधों से बचेंगे तो आपकी रक्षा होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसमें जीता मित्र जी आप सब देख रहे होंगे हमारे मंदिर में सुबह जैसे हम लोग उठते हैं तो अपने प्रभु जी बस एक बार उठ गए और फिर खुद भी उठते हैं और साथ प्रभु जी हैं उनको भी एकदम साथ में लगा के रखते हैं। और प्रभु जी की इतनी निष्ठा है जीता मित्र प्रभु जी के लिए कि वो जब भी उनसे मिले हो तो कुछ ना कुछ एक नई घटना प्रभु जी के बारे में बताते हैं। तो प्रभु जी का उम्र को देखते हुए इस उम्र में भी प्रभु जी न कि सिर्फ मंदिर के कार्यक्रम बल्कि ट्रेवलिंग में भी सभी चीज़ों का ध्यान देते हैं, हम सब आभार व्यक्त करेंगे प्रभु जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने जीता मित्र प्रभु जी की।